소원이 지금 되네. 공주성 부모들도 가버려서는 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों ने सेहत के पोषण के प्रति प्रदान करना सरकार का संकल्प है। केंद्र ने दो ताप बिजली कर्ज का पत्र डिजिटलाइजेशन जोर दे दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स के सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी अश्विनी ने दूसरे पार्टी के सदस्य को भारत सैनिक प्रदर्शन के विकास से स्थानीय प्रतिष्ठित प्रतिबद्ध एक मुद्दा प्रधानमंत्री ने है। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्म की भूमि पर पारे यादगारी डाक टिकट जारी की थी। अमेरिका के प्रत्यक्ष भाई जन्मभूमि हनुमान श्री राम लीला पार्क प्रतिष्ठा समाप्ति हो गई। देश के पूर्ण सेवन गुजरात के श्री पारदृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सारे नागरिकों को पोषण के सेहत की गारंटी प्रदान करने की अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभपात्रियों ने गलबात करदा उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में 25 करोड़ तो वध लोग गरीबी तो बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और कुशल प्रशासन प्रदान करके गरीबों खरों वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में 4 करोड़ तो वध लोगों को पक्के काम मुहैया करवाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो गए हैं और सरकार इस यात्रा राही अपनी सारी योजनाओं के लाभ सभी तक पहुंचाने का टीचा रख रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा अगले महीने भी जारी रहेगी क्योंकि इस देश भर के लोगों को भरवा हुंगारा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन आंदोलन बन गई है और हुण तक 15 करोड़ लोग यात्रा में हिस्सा ले चुके हैं और 70 तो 80 फीसदी पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा राही कवर किया गया है। आर्थिक मामले बारे कैबिनेट कमेटी ने अज देश में दूध ताप बिजली घर स्थापित करने की इक्विटी निवेश की तजवीज मंजूरी दे दी है। यह पावर प्लांट लोगों को सस्ती बिजली प्रदान करने में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाएंगे। फैसले अनुसार दक्षिण पूर्व कोलफील्ड्स लिमिटेड और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के साझे उद्यम द्वारा मध्य प्रदेश के अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन विखे 1x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोला आधारित थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस अलावा महानदी बेसिन पावर लिमिटेड द्वारा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में 2x800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कायम किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स के सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत का सैमी कंडक्टर मिशन प्रतिभा के विकास और सोच चिप डिजाइन करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 24 महीने में भारतीय सैमी कंडक्टर मिशन में वड्डा हुनारा देने में 104 यूनिवर्सिटियों ने तालमेल किया है और पूरे कोर्स के पाठ्यक्रम में नया रूप दिया है और पर्डू यूनिवर्सिटी समेत अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने समझौते किए हैं। विश्व आर्थिक फोरम की सालाना मीटिंग में बोलते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि भारत सैमी कंडक्टर के विकास में संस्थान क्योंकि देश में प्रतिभा का एक बड़ा समूह है जिस में लगभग 3 लाख डिजाइन इंजीनियर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत सैनिक कंडक्टर ने संपूर्ण इकोसिस्टम में विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जिस में डिजाइन समर्थन सॉफ्टवेयर के इसके हार्डवेयर हिस्से शामिल हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अपने सैनिक कंडक्टर मिशन तहत भारत 85,000 प्रतिभावान विकसित करने में वचनबद्ध है जिस इंजीनियर बीटेक एमटेक पीएचडी के पूरे स्पेक्ट्रम में टेक्नीशियन शामिल हैं। भरोसा भारत की सब तो वही पूंजी दसते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत में बहुत भरोसा प्रगट किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अमरीका यूरोप और जापान में सहयोग के एक याद पत्र से दस्तखत किए हैं और सैमी कंडक्टर बारे दक्षिण कोरिया की सरकार और कंपनियों नाल भी काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के गुजरात के अहमदाबाद के एक दिन दौरे से होंगे। अपनी फेरी दौरान श्री धनखड़ गुजरात यूनिवर्सिटी के 72वें सालाना कन्वोकेशन में मुख्य मेहमान होंगे। केंद्रीय शहरी हवाई मंत्री डॉक्टर आदित्य सिंधिया ने आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे से वकारी विंग्स इंडिया 2024 के ग्लोबल एविएशन सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय हवाई अड्डा अथॉरिटी शहरी हवाबाजी मंत्रालय के फिक्की के सहयोग में 4 दिन समागम करवा रही है। विंग्स इंडिया 2024 का थीम अमृत काल में भारत को विश्व नाल जोड़ना है। इस मौके बोलते श्री सिंधिया ने कहा कि शहरी हवाबाजी क्षेत्र लोगों को लोगों नाल जोड़न जीवन बदलने समाजिक आर्थिक तरक्की लाने सही क्षेत्र है।
उन्होंने कहा कि साल 2003 तक मौजूदा 149 हवाई अड्डों 200 हवाई अड्डों और जल बंदरगाहों तक बढ़ा दिया जाएगा। एक खबर आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्म भूमि मंदिर बारे 6 यादगारी टिकटा जारी की। उन्होंने भगवान राम बारे दुनिया भर में जारी डाक टिकटों की एक एल्बम भी जारी की। डिजाइन के भागों में राम मंदिर चुपई मंगल भवन खबर दिहाड़ी सूरज सही मजबूत के मंदिर के अंदर आले दुआले की मूर्तियां शामिल ने। इस मौके बोलते श्री मोदी ने कहा कि भगवान राम देवी सीता के रामायण के प्रसंग हरेक खेतर धर्म के यात्रा जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि रामायण लोगों ने सारी चुनौतियों के बावजूद प्यार की जित बारे सिखाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समुची मुक्ता अपने नाल जोड़दा है और इस करके इस दुनिया भर में खिंच का केंद्र है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समागम लाके देश के होर हिस्सों पंजाब में भी भारी उत्साह है। सूबे के लोगों ने अपने विचार सांझे करते हुए कहा, मैं अश्विनी जोशी राव हूं। आने वाली 22 जनवरी राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में पहुंचा रहा है। सारे हिंदुस्तान में बहुत ही मान की गल है। 22 तरीक में अपने अपने घर के आप लाइटनिंग करिए और प्रभु राम का गुणगान करिए। मैं नरेश मोराहा तरन तारण। असि बहुत ही सौभाग्यशाली हाँ कि साडे जीवन में गुरु श्री रामचंद्र जी का बहुत ही भव्य मंदिर अयोध्या बन गया है। कोई तरह दीपमाला करो, खुशियां मनाओ, दिवाली भी करा। मैं अनुश आनंद कपूरथला। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारा सपना काफी समय तक पूरा हो रहा है। मैं किसी एक वर्ग के एक वर्ग की जीत नहीं है, सबके जीत है। हमें राम भगवान की शिक्षा पर भी अमल करना चाहिए। अयोध्या 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा समागम के मौके से देश भर में केंद्र सरकार के दफ्तर दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। अमलीबाड़ी विभाग ने अपने हुक्म में कहा है कि यह फैसला मुलाजमान के समागम में शामिल होने में लिया गया है। यह हुक्म देश भर के सारे केंद्र सरकार के दफ्तर केंद्रीय संस्थानों से केंद्रीय सनअती अदारे से लागू होगा। पंजाब के हुशियारपुर जिले के टांडा उरमुड़ के नेड़े रड़ा मोड़ नेड़े अज सवेरे संघनी धुंध कारण वापरे सड़क हादसे में एक औरत समेत दो व्यक्ति की मौत हो गई। टांडा वल आ रही एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी औरत में जा वजी और फिर रुक नाल जा टकराई, जिस कारण औरत के कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक कार सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अमृतसर जिले शहर मार्ग से लुधियाना जिले के खम्मा में अज सवेरे संघनी धुंध कारण घट्टो घट्ट 20 गड्डिया आपस में टकरा गई। इस विच कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ पर गड्डियों को काफी नुकसान पहुंचा। इस घटना में पुलिस को कौमी शाहरा और राजगढ़ नेड़े ट्रैफिक को रोक के सर्विस लेन से चलाना पड़ा। इधर तरनतारण च अमृतसर जा रही एक निजी बस गुरद्वारा बाबा मोहन सिंह नेड़े एक नाले में जा डिगी, जिस नाल पूरी सवारियों खड़कने सटा लगियां। दसिया जाता कि धुंध कारण बस ड्राइवर सड़क नहीं बैठ सकया और रेलिंग तोड़ती हुई यह बस नाले में पलट गई। पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी के क्षेत्रीय दफ्तर ने कल चंडीगढ़ में एक वार्तालाप मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजेंद्र चौधरी ने इसकी प्रधानगी की। चंडीगढ़ के आईएफएस प्रोटेक्टर ऑफ इमीग्रेंस जशुदीप सिंह समेत होर पतवंती इस मौके हाजिर रहे। गणतंत्र दिवस पर 2024 में 697 सदर के क्षेत्र के नए पात्रियों भी इस शामिल किया गया। राजेंद्र चौधरी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्राप्तियों उजागर करते हुए एक बोर्ड की सहित पेशकारी दी तो सेवाओं को असरदार ढंग प्रदान करने यकीनी बनाने सरकार की वचनबद्धता का जिक्र किया। यशुदीप सिंह ने एक चिंताजनक रुझान का खुलासा किया, जिस विच विदेशी मुल्कों में लगभग वाले लोग बेईमान भर्ती एजेंटों का शिकार हो रहे हैं। स्थिति की गंभीरता से जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अजय मामले में एक महत्वपूर्ण वाधा हुआ है जिथे गैर रजिस्टर्ड भर्ती एजेंटा वालों विदेशी नौकरी की भाल करने वालों फर्जी नौकरियों की पेशकशों राही ठगिया जा रहा है। अंत में चुनावी खबरें एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि लोगों में सेहत और पोषण की गारंटी प्रदान करना सरकार का संकल्प है। केंद्र ने दो ताप बिजली का स्थापित करने की एक छोटी निवेश मंजूरी दे दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी दशरथ ने विश्व आर्थिक फोरम में दस्या कि भारत सैनिक कंडक्टर के विकास में सही स्थान है क्योंकि इस विच प्रतिभा का एक भंडार मौजूद है। इसके नाल ही आकाशवाणी केंद्र तो खबरों का एक मौजूद खत्म होता है।